हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 26 ब्लॉगर में। तो आज की वीडियो स्पेशली इंस्टाग्राम यूज़र के लिए रहने वाली है, क्योंकि आजकल जो है इंस्टाग्राम यूज़र के अकाउंट हैं वो बहुत ज़्यादा डिसेबल हो रहे हैं। तो उसके रीज़न तो पता नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उनका मानना है कि भाई कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, इस वजह से अकाउंट डिसेबल हो रहे हैं। तो आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है इसको इनेबल करने के लिए। शुरू दोबारा से आपको एक बार मैं मेल भी दिखा देता हूँ, जो मेरे पास मेल आई थी। ये गाइजनों की इनकी मेल आई थी, इस मेल में देख लीजिए। हाय, योर अकाउंट कपिल सिंह पवार विल बी सस्पेंडेड बिकॉज यू डोंट फॉलो आवर कम्युनिटी गाइडलाइन। जबकि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था और मेरा अकाउंट भी डिसेबल हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है इस अकाउंट को इनेबल करने के लिए अपने। सबसे पहले आपको क्रोम में ओपन कर लेना है इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर। तो इसके बाद आपको जो सबसे ऊपर जो फर्स्ट लिंक दिया हुआ है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्रोम में ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे गाइस आपको हेल्प का आइकन दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है इम्पर्सोनेशन अकाउंट। यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये चूज करना है, व्हाट कैन आई डू इफ समवन आई नो इज बीइंग इम्पर्सोनेटेड ऑन इंस्टाग्राम। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आएगा दिस फॉर्म पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे दिस फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है, समवन क्रिएटेड एन अकाउंट प्रिटेंडिंग टू बी मी और अ फ्रेंड। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डालना है जो कि आपका इंस्टाग्राम में आपने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद में आपको इसमें अपना ईमेल एड्रेस डालना है जिस भी ईमेल से लिंक्ड है आपका। यहाँ पे आके आपको अपने अकाउंट का जो यूज़र नेम है वो मेंशन करना है। मान लीजिए कुछ भी आपका यूज़र नेम है, इस टाइप से जो भी आपका यूज़र नेम है वो मेंशन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ अटैच करना है जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड ये सब आ सकते हैं। तो इसमें से आपको सबसे पहले ये टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेनी है। यहाँ से यहाँ तक पूरी जो एक टर्म एंड कंडीशन है आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद में आपको जब फ़ोटो अपलोड करनी है तो फ़ोटो ऐसे अपलोड करनी है आपको, जैसे एक वाइट बैकग्राउंड ले लेना है बैक में, और उसके साथ में आपको जो अपना जो भी आईडी प्रूफ है वो दोनों हाथों से पकड़ के रखना है। जैसे कि कई बार देखा होगा आपने मूवी में कैदी पकड़ के रखते हैं, उस टाइप से आपको पकड़ के रखना है और उसकी एक फ़ोटो खींच के इसमें अपलोड करनी है। और इस साथ में यहाँ पे आपको जो मैटर लिखना है वो मैं बता देता हूँ। डियर इंस्टाग्राम, I am Instagram user I didn't get any kind of community guidelines. From Instagram. I have
मैनी मेमोरीज विद माय इंस्टाग्राम। And I didn't know how my Instagram account disabled. So I requested you to please get it back as soon as possible. Thanking you. यहाँ पे लिखना है आपको regards स्पेस दे के नीचे लिख देना है अपना यूजर नेम, जो भी आपका नाम है। मान लीजिए मेरा नाम कपिल सिंह पवार है, तो आपको इस टाइप से लिख के। तो गाइज आपको मैटर मेरे जैसा बिल्कुल सेम नहीं रखना है, थोड़ा डिफरेंट मेथड रखना है, ताकि उनको लगे ना कि आपने कॉपी किया हुआ है। सो गाइस ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी। एक दो दिन में आपका अकाउंट इससे क्या है कि रिकवर हो जाएगा। ये मेल आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ईमेल पे मेल आएगा कंफर्मेशन के लिए। तो दोबारा आपको जो है अपना आईडी प्रूफ का फ़ोटो है वो दोबारा आपको मेल पे भेजना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, और किसी ज़रूरतमंद को जिसका अकाउंट डिसेबल हुआ है उसके पास ज़रूर शेयर करें।